नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। महिलाओं में मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है, लेकिन क्या ये चीज़ पुरुषों में होती है या नहीं, इसी बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और साथ ही पाम व्यू में यूरोलॉजिस्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि पुरुषों में, जैसे महिलाओं में मेनोपॉज होता है, तो क्या सब पुरुषों में भी मेनोपॉज देखा जाता है? हाँ, आजकल ये नया नोमेनक्लेचर आया है, मेल मेनोपॉज। एक्चुअली एक ज़माने में कहा जाता था मिड 40 ब्लूज मेल में होता है, तो 45 वर्ष की आयु के करीब जब फीमेल को भी उसी टाइम में मेनोपॉज होता है, मेल को भी बहुत से हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते हैं और उस समय उनका कैरियर भी बड़ा ही एक संक्रांति काल से गुजरता है। बढ़िया से स्ट्रगल किया, ये किया और एक बढ़िया लेवल पर पहुंच जाते हैं वो कैरियर के, और वहाँ पर उनको लगता है कि आगे क्या। तो इस तरह और हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में होते हैं, तो इस पूरे पीरियड को अराउंड 45 इयर्स के एज को हम लोग मेल मेनोपॉज भी कहते हैं। और मेन मेनोपॉज में क्या होता है, डिप्रेशन होता है, डिप्रेसिव मूड, डिप्रेशन मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होता है, इरिटेबिलिटी बहुत होती है, भविष्य के प्रति उनको काफ़ी घबराहट होती है, क्योंकि उस उम्र में पहुंचने के बाद बच्चे भी ऐसे उम्र में आ जाते हैं जो उनको कैरियर को सेटल उनको करना है। अपना तो कैरियर बहुत ही ज़्यादा फिक्स नहीं है, बच्चों को भी सेटल करना है, तो ये सारी चिंताएँ होती हैं। ऊपर से वाइफ यदि सेम एज ग्रुप में है तो उनका मेनोपोजल प्री मेनोपोजल सिम्टम आने लगता है, और यदि मेनोपोज आ गया तो फिर मेनोपोजल एंड पोस्ट मेनोपोजल सिम्टम आता है, तो उससे भी मर्द को जूझना पड़ता है। तो उस पीरियड में मर्द के लिए हम लोग कहते हैं भाई मर्द के मेनोपोज का भी फेज है, बहुत से हार्मोन घटने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कभी कभी घटने लगता है, बीमारियाँ कई पकड़ने लगती हैं। वो ऐसा उम्र है कि उस समय अचानक पता लगेगा कि अरे तू डायबिटिक है, अरे इनका तो हाइपरटेंशन है, थोड़ा सा चले और हार्ट में दर्द हो गया तो अरे लगता है कि इनका हार्ट में भी प्रॉब्लम है। तो वो एज बड़ा क्रिटिकल एज है जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से मनुष्य जो है बहुत विचलित उसका समय रहता है। और जैसे औरतों में मेनोपॉज ट्रू मेनोपॉज जो होता है हार्मोनल चेंजे की वजह से, उनमें जो विचलित स्थिति होती है, उनको स्वेटिंग होता है, मूड चेंजेस होता है, उसी तरह मेन को भी होता है, इसलिए इस पीरियड को हम लोग मेल मेनोपॉज कहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए मेन को, क्योंकि सडनली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं और ठीक से इलाज नहीं कराया, मालूम हुआ कि डायबिटीज एकदम अनकंट्रोल है, मालूम हुआ कि स्मोकर इतने हैवी रहे हैं कि उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी ख़त्म हो रही है, वाइफ के तरफ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं है, तो वो भी एक माने पार्ट ऑफ द मेनोपॉज हो जाता है। इसलिए अल्कोहल बहुत लेते हैं, वो भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इस पीरियड में जाके जवानी में तो किसी तरह खींच लेते हैं, लेकिन जैसे ही 45-50 पहुँचते हैं तो ये सारे चीज़ चारों ओर से घेर लेते हैं, और ये सब मिलजुल करके एक नोमेनक्लेचर है कि मेन मेनोपॉज होता है जी। और सर, इससे मतलब इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं शुरुआती में, अगर ऐसा किसी को समस्या होता है? मैंने बताया ना कि घबराहट होती है, भविष्य के प्रति चिंताएं होने लगती हैं, आदमी क्या कहते हैं जो हमने कहा एपिसोड ऑफ डिप्रेशन वगैरह होने लगते हैं, और चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी, जैसे औरतें चिड़चिड़ा हो जाते हैं वैसे वो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, और फिर जो जिन कुछ जो बीमारियां उस समय उनको चारों ओर से घेरती हैं उनके सारे लक्षण आ जाते हैं उनके पास। तो ये सारी चीज़ें मिलके उनको, और कभी कभी देखिएगा कि इस उम्र में बहुत ज़्यादा लोग दारू पीने लगता है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लगता है, वो अपने अनिश्चितता का टाइम आ जाता है, मिड 40s ब्लूज उनको आने लगते हैं, तो वो चीज़ जब आवे तो
उसको समझना चाहिए, उनको ये है और ध्यान देना चाहिए। जिनकी पत्नी होशियार है तो अपना मेनोपॉज का तो ध्यान रखती है, अपने हस्बैंड का जब चेक करती है कि सब हो रहा है तो उसका ध्यान रखती है, तो दे गेट ओवर में दैट मैन है। 55-60 पहुँचते पहुँचते वो लाइन पकड़ देते हैं, अब तो हमको रिटायर करना है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो पीरियड 10 साल का है बड़ा ही क्रिटिकल होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने की, धन्यवाद। तो आज हमने समझा कि जैसे महिलाओं को मेनोपॉज होता है ठीक उसी तरीके से पुरुषों में भी मेनोपॉज देखा जाता है। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।